लाल चौक पर अब गर्व से तिरंगा फहरता है। अब योगी जी कह रहे हैं बहुत जल्दी पीओके में भी तिरंगा फहरेगा। बिल्कुल फहरेगा, बहुत जल्द। मैं भी उम्मीद करती हूँ कि पीओके वापस भारत का हिस्सा होगा, कश्मीर का हिस्सा। अब मैं चाहती हूँ जो मेरी जनरेशन है, मुझसे थोड़ी बड़ी है, मुझसे जो, उनको एहसास ही नहीं है कि हमारे देश, हम अखंड भारत क्या है। मोदी जी ने यहाँ पर इतना जोरदार भाषण किया, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा ओपिनियन ये है कि हमें एक इन्फ्लुएंशियल, एक ऐसे लीडर की जरूरत है जो हमें प्रगति पथ पर लेकर जाए, ना कि हम फिर से वो पास्ट की बातों को रिपीट करते जाए, हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ये हुआ। जैसे इन्होंने बताया, मैं आर्मी स्कूल से पढ़ी हूँ, तो मैं जब मैं आर्मी स्कूल में होती थी तब उन्हीं दिनों वो वाला कराची का अटैक हुआ था, उन्हीं दिनों उरी का सर्जिकल स्ट्राइक भी हुआ था। तो वो जो कराची के अटैक के बाद से सर्जिकल स्ट्राइक तक का जो चेंज वाला सफर है, वो हमने देखा है कि किस तरह से हमारी हर हफ्ते ड्रिल्स भी होती थी, एक डर था, एक डर का माहौल था, पेरेंट्स भी डरते थे कि हमारे बच्चों को बाहर भेजा जाए नहीं। बट आज जो है माहौल थोड़ा अलग है, आज लोगों में कॉन्फिडेंस है, आज प्राउडली, अब जैसे आप देखो जो रामबन वाले वो वाले इलाके, लोग तो इलेक्शंस के लिए खड़े भी नहीं होते थे। अब आप देखो मतलब इस कोर्स पीरियड में, टाइम पीरियड के बाद लोगों में इतना कॉन्फिडेंस कि एटलीस्ट हम इलेक्शन के लिए खड़े हो, हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। कोई एक इंडिपेंडेंट भी अपनी उस वो हिम्मत रखता है कि हम खड़े हो सकते हैं। अब जैसे उग्रवाद, जैसे कुछ हमारे जम्मू में कहीं ना कहीं पिछले थोड़े एक साल के अंदर अंदर ही काफ़ी मिलिटेंटेड आए। जो नेशनलिज्म की भावना है, देशभक्ति की भावना है, ये लोगों में आना बहुत ज़रूरी है। और यूथ में थोड़ा सा इंटेलेक्ट, थोड़ा सा नैरेटिव बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो मुझे लगता है मोदी जी कैपेबल हैं कि वो बना सकते हैं। आप महिला हैं, युवा हैं, और जिस तरीके से यूटी जब से कश्मीर बना है, जम्मू कश्मीर, तब से लेके और पहले के कश्मीर में कितना अंतर देखने को मिला? बहुत बहुत अंतर है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। हम G20 जैसे जम्मू में G20 का प्रोग्राम हुआ, हमारी यूनिवर्सिटी में भी G20 का प्रोग्राम हुआ, और कश्मीर के अंदर भी G20 का कल्चरल प्रोग्राम हुआ। कश्मीर के अंदर पिछले साल में मोर देन 3-4 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज हो चुकी हैं। तो ये चीज़ पहले पॉसिबल, हम सोचते भी नहीं थे। मतलब मैं खुद कश्मीर जा चुकी हूँ, वहाँ से होके आ चुकी हूँ। उन दिनों मेरे चाचा जी वहाँ काम करते थे, तो वहाँ पे वो रहते रहते भी मतलब हफ्ते के अंदर पत्थरबाजी शुरू हो जाना, इतना मिलिटेंसी अटैक था। आज लाल चौक है, आज कश्मीर में लोग डरते नहीं है, वहाँ जाने के, वहाँ का टूरिज्म वापस आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो धरती का स्वर्ग है या हमारे भारत का जो शिखर है, वो वापस से खिल रहा है। तो इसी उम्मीद में हम लोग भी इसी डायरेक्शन, इसी नैरेटिव से आगे बढ़ रहे हैं कि डेवलपमेंट जो है वो राइट डायरेक्शन में होगी, और जो हमारी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस कह लो या जो हमारे नैरेटिव्स हैं, वो उनसे कोइंसाइड करेंगे। ये नहीं कि अब पुराने की तरह कि हाँ बस बातों तक बातें रह जाएंगी, काम कुछ नहीं होगा। अच्छा, लाल चौक पर अब गर्व से तिरंगा फहरता है, अब योगी जी कह रहे हैं बहुत जल्दी पीओके में भी तिरंगा फहरेगा। बिल्कुल फहरेगा, बिल्कुल। मैं इस चीज में बहुत बिलीव करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि बहुत जल्दी हो, और लोगों को एहसास हो कि कितना जरूरी है अपनी मातृभूमि का अभिमान होना। हर, इनफैक्ट मेरा नहीं, अब जैसे हमारे जो पेरेंटल, जैसे जो बड़े लोग हैं, ये लोग का तो ऑलमोस्ट टाइम चला गया। अब मैं चाहती हूँ जो मेरी जनरेशन है, मुझसे थोड़ी बड़ी है, मुझसे जो, उनको एहसास ही नहीं है कि हमारे देश, हम अखंड भारत क्या है। उनको ये जानने की जरूरत है कि हमारा अखंड भारत कितना बड़ा, कितना अखंड है। तो उस यूनिटी को लाने की जरूरत है, और बहुत जल्द मैं भी उम्मीद करती हूँ कि पीओके वापस भारत का हिस्सा होगा, कश्मीर का हिस्सा। तो जैसा कि अब पीओके की तो बात हो चुकी है, अब कहीं ना कहीं बलूचिस्तान वाले लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हमें भारत में जाना है, क्योंकि पाकिस्तानी हमें विदेशी कहने लगे हैं। चलो, ये तो 47 के टाइम ही हो जाना चाहिए था, पर ये है ना कि जब उन्होंने कह दिया था कि जिसको जहाँ जाना चले जाओ। एनीवेज, हमें थोड़ी सी पेशेंस तो रखनी पड़ेगी। अब कहते हैं ना, कोई चीज़ बिगड़ती बिगड़ी है, तो थोड़ा सा पेशेंस हमें भी रखना पड़ेगा कि धीरे धीरे ही डेवलपमेंट होगा, धीरे धीरे ही भारत वापस आएगा, अखंडता की ओर बढ़ेगा। कुछ नेता हैं, जैसे कि महबूबा मुफ्ती ने उस समय कहा था कि तिरंगे को कोई हाथ नहीं लगाने वाला, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि हम 370 को दोबारा वापस लेके आएंगे। हो गई बातें, अभी कह रहे हैं कि हम जीतेंगे तो 370 को दोबारा से रिवील कर देंगे। तो हम उम्मीद, हम अपने नैरेटिव को इतना पॉजिटिव रखते हैं कि हम उनको जीतने ही नहीं देंगे। अपनी उम्मीद इतनी स्ट्रांग रखो, अपना ओपिनियन इतना स्ट्रांग रखो कि इतना पॉजिटिविटी रखो कि कोई नेगेटिविटी तुम्हारे आसपास आ ही ना पाए, इतना इन्फ्लुएंशियल हो जाओ। मैं कश्मीर गया तो वहाँ के युवाओं से मिला, कुछ बुजुर्गों से मिला, तो वो ये कह रहे हैं कि 370 तो ऐसे ही हटा दिया है, और नीचे से लोग आकर के यहाँ पर जमीन खरीदेंगे और कश्मीर का बुरा हाल कर देंगे।
नहीं वो तो सिर्फ सोच ओपिनियन सोच सोच की बात है सर, मैं वो हर किसी का पर्सनल ओपिनियन होगा, कहते हैं ना कहने को तो बहुत बातें होती है, तो अगर ऐसे लोग हैं तो फिर आए सामने, फिर करें वो चीज़ करके दिखाए। हमारी यूनिवर्सिटी में बाहर से बच्चे आते हैं, मतलब मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से हूँ तो हमारी बाहर, और वो एक काफ़ी सेफ माहौल, वो और मेरे काफ़ी प्रोफेसर यहाँ के रह रहे हैं तो उनको काफ़ी, और मैं ये चीज़ ज़रूर कहना चाहती हूँ कि बाहर की स्टेट से मुझे लगता है जम्मू एक ऐसी जगह है जो आज भी बहुत बेहतरीन और बहुत सेफ और बहुत ही सस्ती जगह है। यहाँ पे इतनी महंगाई नहीं है, इतनी गरीबी नहीं है और इतना कोई ख़राब माहौल, कितना क्राइम रेट भी नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि मेंटेन रहे। तो अगर ठीक है अगर बाहर से लोग आ रहे हैं तो हम लोग भी तो बाहर जा रहे हैं, एक ग्लोबलाइजेशन का एक यू नो फॉर्म बढ़ रहा है तो अच्छी बात है, मुझे लगता है डेवलपमेंट का पार्ट है, ऐसा कुछ नहीं, हमें चुपके नहीं रहना है, हमें देश में देश भर घूमना है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, मोदी जी जब से आए हैं आपको महिलाओं को लेकर के कैसी सुरक्षा रही और मोदी जी को आने के बाद कैसा आपको फील होता है? नहीं वो तो एक बहुत ही पुराना चलते आ रहा महिला सशक्तिकरण, पर जो वुमेन लेड डेवलपमेंट जो उन्होंने किया, जैसे हम पढ़ते हैं वुमेन लेड डेवलपमेंट, वुमेन इन साइंस, तो वो चीज़ों में मैं रिसर्च में वो चीज़ें बात करूंगी कि स्टेम में वुमेन जैसे हैं तो इस चीज़ में उन्होंने बहुत मतलब उस चीज़ का बहुत इम्पैक्ट रहा है। मैंने आपको वही बताया ना, जब हमारा लीडर इन्फ्लुएंशियल होता है ना, लीडर की बातें इन्फ्लुएंशियल होती है तो ऑटोमेटिकली चीज़ें एक वे में चलती जाती हैं, तो ऐसा इन्फ्लुएंशियल मैं चाहती हूँ कि अब मोदी जी के बाद भी कोई ऐसा इन्फ्लुएंशियल लीडर आए जिनकी बातों में दम हो और वो सिर्फ बातें ना करे कर्म भी करे। तो उस तरह से जैसे होना चाहिए मोदी जी के बाद कोई भी बने, योगी जी में वो चीज पावर है, बिल्कुल मुझे लगता है वो चेयर में बहुत पावर है, वहाँ उस चेयर पे जो बैठता है उसमें अपने आप इतना पावर आ ही जाता है कि वो उस, और जो निस्वार्थ भाव से काम करता है ऑटोमेटिकली उसमें जो निस्वार्थ भाव से काम करेगा उसको लोग भी आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि योगी जी ने तो साफ साफ पाकिस्तान को भी यहाँ से हटका दिया, कह दिया कि कटोरा तो तुम्हारे हाथ में, पानी भी नहीं मिलने वाला है आपको, औकात में आ जाइए। चलो वो फिर योगी जी का स्टाइल है। आप युवा हैं और अभी बहुत नज़दीक है चुनाव आपके यहाँ पर, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बीजेपी सरकार ही आनी चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैं रजौरी का रहने वाला हूँ, तो जो मैंने अपने बचपन में जो है वहाँ पे मिलिटेंसी का दौर देखा है, तो आज आप अगर डेटा देखें तो जो है 70% जो है वो टेररिज्म है वो कम हुआ है, और जो हमारी जैसे कि 60% तक आप बोलो तो जो हमारी मिलिट्री जैसे किलिंग होती है वो भी कम हुआ है, तो कुल मिला के जो कंडीशंस पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी हुई हैं, तो और डेवलपमेंट में भी बहुत अच्छा हुआ है, जैसे कि एम्स हमें दिया गया, आईआईटी हमें दिया गया और आईआईएम हमें दिया गया, जम्मू कश्मीर के तरक्की के रास्ते खुले हुए हैं पूरे। जी हाँ। अगर योगी जी हैं, योगी जी अगर जम्मू कश्मीर में आते हैं तो कहते हैं कि पाकिस्तान के हाथ में कटोरा है, अगर पाकिस्तान आतंकवाद को रोकेगा तो हम जल प्रवाह को नहीं रोकेंगे, नहीं तो कटोरे में पानी भी नहीं मिलेगा। मैं इस पे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो अब पाकिस्तान वाला था, जो आजकल तो हम पाकिस्तान की बात ही करना छोड़ दिया हमने, जो एक टाइम कांग्रेस का था जब हम बात करते थे पाकिस्तान की, आज मोदी जी का टाइम है, हम पाकिस्तान को हम ये भी भूल चुके हैं कि कोई पाकिस्तान है हमारे पास, क्योंकि आजकल सुनने को ही नहीं मिलता। आज हमारा फोकस सिर्फ डेवलपमेंट में है, अपने देश की सॉवरेनिटी पे है, ब्रदरहुड पे है, हम बस यहाँ पे एक जो प्यार को अपने देश में बस प्यार ही प्यार हो। जैसे आप रजौरी से हैं, रजौरी के अंदर जिस तरह से पहले मिलिटेंसी होती थी अभी कितना ठहराव आया है, कितने वहाँ पर शांति है अभी? देखो फैक्ट अभी तो मैंने कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं अपने बारे में बताता हूँ कि जब हम वहाँ पर रहते थे तो ऐसा एक था कि हमें 6 बजे से पहले घर के अंदर होना पड़ता था, लेकिन आज अगर हम जाते हैं तो अगर मतलब हमारे घर के लॉक भी नहीं लगे हों तो तब भी कोई मतलब बड़ी बात नहीं है कि हाँ ठीक है, नहीं तो नहीं, इतना चेंजिंग आई है। और ये मतलब कि मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन आपको, मतलब 370 के बाद इतना परिवर्तन नजर आया है। हाँ जी।